नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। यार आज हम बात करेंगे जो फ्लाइट्स के न्यू रूल आए हैं, न्यू अपडेट हुए हैं। पहले मैं आपका बात करना चाहूँगा कुवैत के बारे में। मेरा पहला ऑप्शन है कुवैत। कुवैत में एयर इंडिया की तरफ से जो न्यूज़ आई है, उन्होंने ये बोला कि कुवैत की सारी फ्लाइट्स बंद है आपके इंडिया से, और 5 मई से लेकर 31 मई तक उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया, बैन लगा दिया। तो मतलब अब 31 मई तक तो सारी फ्लाइटें बंद रहेंगी आपकी कुवैत की। तो जो ट्रैवल करना चाहते थे कुवैत, उनके लिए कि अभी आप मत ट्रैवल करें क्योंकि पहली बंद है, और अपना सेफ रहें, घर में रहें। दूसरी बात आपकी मलेशिया की, मलेशिया का पहली रूल बना हुआ था कि मलेशिया ने 28 अप्रैल से भारत के साथ सारी फ्लाइट्स बंद कर रखी थी, तो सिर्फ कार्गो की फ़्लाइट्स चल रही हैं। अब जो मलेशिया जाना चाहते हैं या जो मलेशिया से इंडिया आना चाहते हैं वो ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। बाई चांस अगर कोई इंडिया की फ़्लाइट मलेशिया में जाती भी है तो वहाँ पर मिली इंडिया के किसी भी स्टाफ को, क्रू मेंबर को या जो अपना पैसेंजर्स हैं उन्हें उतरने की इजाज़त नहीं है। तो प्लीज़ सेफ रहें, ऐसे ट्रैवल मत करें। तीसरा है आपका सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ने 17 मई से अपनी फ़्लाइटें खोलने के लिए कह दिया है, सिर्फ सऊदी के लोगों के लिए, जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए भी एक नया रूल है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा वीडियो में, कि सिर्फ सऊदी के लोग ही उसमें ट्रैवल कर सकते हैं आपका। बाकी चौथा है आपका, जैसे अभी रोम के बारे में बताना चाहूँगा। अभी जैसे एयर इंडिया से के अमृतसर से रोम की तरफ एक फ़्लाइट गई थी जिसमें 242 पैसेंजर्स थे, जिसमें से 30 पैसेंजर्स और 2 क्रू मेंबर्स कोरोना पॉजिटिव निकले, जिसके बाद इटली की सरकार ने उन्हें पेड क्वारंटीन कर दिया है। अब अगला है आपका, अगला तो कौन सा बचा, अगला तो अभी न्यू रूल्स आए हैं नेपाल का। नेपाल ने अपनी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ़्लाइट 14 मई तक सारी फ़्लाइट बंद कर रखी है। अभी न्यू अपडेट नहीं आया, बाकी जो न्यू फ़्लाइट्स का अपडेट आएगा वो मैं आपको अपने अगले वीडियोस में बता दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आप एक मतलब पर्टिकुलर फ़्लाइट के बारे में जानना, या किसी वीज़ा के रूल के बारे में जानना, या किसी कंट्री की फ़्लाइट के बारे में जानना, कोई भी न्यू अपडेट के बारे में जानना, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। और इस कोविड के टाइम में प्लीज़ आप सुरक्षित रहें, घर में रहें, अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। मैं आशा करता हूँ कि आप सब सही रहें, भगवान आप सबको सही रखें, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।